भिखारी आ जाए ना तो उसको भिखारी मत समझ लेना। बाबा भोलेनाथ ने देखो भिखारी का रूप धारण करके गए, जब गए नट का रूप धारण करके गए। बाबा कभी भी आ सकते हैं, तुम्हारे द्वार पर कोई भी आ जाए। हमारे पूज्य दादा गुरु अनंत श्री भूषित ब्रह्मलीन परम पूजनीय गुरुदेव दत्ताजी महाराज सदैव कहते थे कि तुम्हारे द्वार पर कोई भी आ जाए, भले ही कितना हट्टा कट्टा हो, उसे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, उसे अन्न देने की जरूरत है। उसे ज्ञान मत दो कि जाओ इतना हट्टो कट्टो शरीर लगाए हो, जाके मजदूरी नहीं कर पा रहे, 500 रुपया दिन मिल रहे हैं। ये ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, वहां अन्न दान दे दो। अरे अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो जल ही दे दो, और जल भी नहीं है तो हाथ जोड़ करके निवेदन कर लो कि बाबा मेरे पास आज कुछ नहीं है, क्षमा करना, आप कहीं आगे देख लीजिए। लेकिन उसे अपने दर से भगाओ नहीं। अगर अपने दर से भगा दो तो हो सकता है सत्यनारायण भगवान ने किसी को भेजा हो। कथा में आता है ना कि वह ब्राह्मण था, निर्धन ब्राह्मण था, भिक्षावृत्ति करता था, और भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करता था, और वही जीवन यापन करके भगवान ने उसके पास में पहुंचे और ब्राह्मण का रूप धारण करके कहने लगे कि जाओ जिस नगर में धनवान लोग रहते हो उस नगर में जाना, तुम्हें बहुत भिक्षा मिलेगी, और तुम उस भिक्षा से लेकर के आना और सत्यनारायण भगवान की कथा करना, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, धन पुत्र आदि शिष्ट हो जाओगे, मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे, ऐसा कर लेना। वह ब्राह्मण गया तो हो सकता है कि आपकी द्वारा दी हुई भिक्षा से उसे कहीं भगवान की कथा ना करनी हो, भगवान का पूजन ना करना हो, और आपने उसको भगा दिया। ऐसा नहीं करना जीवन में।